ऐसे ऐसी चीज़ें हैं भाई यहाँ के बारे में जो वीडियोस में आना ज़रूरी है, लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इस बारे में। और 2:30 बजे वो गेट बंद हो जाता है और उसके अंदर ना छोटे छोटे चैम्बर बने हुए हैं, वो लोग उस चैम्बर में ले जाके बैठा देते हैं। राधे राधे सभी को, कैसे आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे। मैं आपका अपना अजय साथ और आप देख रहे हैं एनएस भाई अच्छू। तो गाइज मैं अभी हूँ श्रीशैलम में और जा रहा हूँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो मैं कल यहाँ पे पहुँच गया था अप्रॉक्स भाई 5 बजे के आसपास और 6 बजे तक मैं भाई शिफ्ट शिफ्ट होके आराम से नींद वींद मैंने पूरी करी और अब भाई मैं प्रॉपर रेडी होके जा रहा हूँ भाई दर्शन करने के लिए ज्योतिर्लिंग के। तो ये कुछ रास्ता है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है भाई, और यहाँ पर से हमें राइट जाना है और फिर अंदर को हमें हो जाएंगे दर्शन। तो मंदिर यहाँ पर से अप्रॉक्स होगा भाई 1.5 किलोमीटर के आसपास और जा रहा हूँ मैं अभी भैया के साथ में। तो भैया भाई जाएंगे VIP पास में और मैं जाऊँगा जनरल वाली लाइन में, क्योंकि मैं दर्शन ऐसे ही करता हूँ, आपको पता ही है मैंने अभी तक जितने भी जगह दर्शन किया है ऐसे सेम ही किया है। तो अभी क्या है दर्शन वगैरह करके और इवनिंग में आज मैं यहीं स्टे करूँगा और कल मॉर्निंग निकल जाएंगे रामेश्वरम के लिए। रामेश्वरम की दूरी जो यहाँ पर से दिखा रही है भाई गूगल मैप्स पे, वो दिखा रही है लगभग 1156 किलोमीटर। ठीक है, तो अभी मेरा क्या प्लान है कि मैं पहले मैं ऐसे चेन्नई जाऊँगा, चेन्नई के बाद समुद्र के किनारे किनारे से होते हुए जो हाईवे है अपना NH-16 उसी को पकड़ते हुए भाई जो चेन्नई कोलकाता हाईवे जो हमने स्टार्टिंग में पकड़ा था उसी को पकड़ के लास्ट में पहुँच जाऊँगा रामेश्वरम, फिर वहाँ से आगे धनुषकोडी, देन वहाँ से नीचे तिरुवनंतपुरम के लिए निकलेंगे। तो भाई ये कुछ रास्ता है देखो, अब पता नहीं फ़ोन कब तक लेने देंगे ये लोग, आई थिंक फ़ोन ये लोग रख लेंगे। तो फ़ोन ना एंट्रेंस में जमा हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, तो अभी फिलहाल मैं 2 फोन कैरी कर रहा हूँ। भैया भी एक फ़ोन कैरी करो ना। हाँ, भैया भी एक फ़ोन कैरी कर रहे हैं। हाँ, वो फ़ोन बाहर ही जमा कर लेंगे। तो अभी फ़ोन अगर बाहर जमा कर लेते हैं तो फ़ोन बाहर ही रख देंगे भाई। और बाकी ये देखो, तो इसमें क्या है ना, 2 तरीके से आप दर्शन कर सकते हो भाई। एक तरीके से वो जिस तरीके से भैया कर रहे हैं, एक तरीके से जैसा मैं कर रहा हूँ। मैं क्या हूँ भाई, मैं तो जनरल की लाइन में जाऊँगा, बाहर से दर्शन करूँगा। और भैया क्या है, भैया अंदर तक जा पाएंगे, इसमें क्या है प्रॉपर ड्रेस कोड है इनका, ऐसे ही पहन के ये अंदर जाके गर्भगृह में जाके भी पूजा कर पाएंगे। स्पर्श कर सकते हैं। तो भाई स्पर्श भी कर सकते हैं। तो भैया हैं गुजरात से, तो इनसे मैं गुजरात में जाके दोबारा भी मिलूंगा। गुजरात में भी हम मिलेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में और द्वारका में जाके दोबारा से मिलेंगे। तो अभी भाई देखो ये जो साउंड आ रहा है ना आपको बैकग्राउंड से, ये वहीं से आ रहा है, ज्योतिर्लिंग से ही आ रहा है। तो ये है रास्ता प्रॉपर जो जाने का है। अभी इसके अंदर VIP एंट्री हो रही है। तो देखो भाई, तो ये इतनी सुंदर जगह है ना, आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इतने अंदर भी ऐसा कुछ होता होगा। तो गाइज यहाँ पे सामान घर है, तो यहाँ पे सामान वामान रख के फिर अंदर जाएंगे और यहीं तक है हमारा साथ। अब इसके बाद भाई फोन अंदर एंट्री नहीं है, फोन सब यहीं रखना पड़ेगा। तो भाई 4:30 हो गए हैं फाइनली और दर्शन कर लिया है, फोन भी अपना ले लिया है और अभी मैं जा रहा हूँ भाई आपको दिखाने के लिए मंदिर के दर्शन कराने के लिए, क्योंकि फ़ोन पहले जमा कर लिया था। और बहुत ही ज़्यादा ऐसे ऐसी चीज़ें हैं भाई यहाँ के बारे में जो वीडियोस में आना ज़रूरी है, लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इस बारे में और वो बेचारे आके फंस जाते हैं मेरी तरह। तो इस बार मैंने भाई सारा कुछ मैंने समझ लिया है और वही चीज़ वीडियो में आई। तो अभी दिखाता हूँ आपको मंदिर, दिखाता हूँ यार इधर से तो व्यू नहीं आ रहा, उधर जाना पड़ेगा क्या? वो वहाँ है मंदिर, यहाँ से तो व्यू नहीं आ रहा, आगे से देखता हूँ कि आगे से व्यू आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि देखो भाई कई लोग ये सोच के आ जाते हैं कि 5 बजे जाएंगे और जल्दी जल्दी से दर्शन कर लेंगे, पर गलत सोच है भाई। देखो एक टिकट है वो है 500 रुपीज़ का, ठीक है, उसमें आप क्या स्पर्श दर्शन कर सकते हो, अंदर जाके कर सकते हो। अगर वो नहीं लेते हो और डायरेक्ट दर्शन करते हो तो भाई याद रखना कि दर्शन की टाइमिंग 3 बजे से है, दोपहर 3 बजे से, और 2:30 बजे वो गेट बंद हो जाता है और उसके अंदर ना छोटे छोटे चैम्बर बने हुए हैं, वो लोग उस चैम्बर में ले जाके बैठा देते हैं, 2-2.5 घंटे आपको वहीं बैठना पड़ेगा। जैसे मैं अभी रास्ते में आपको करूँगा डिकोड, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है भाई। तो भाई 3-4 घंटे से फोन वोन सब जमा था मेरा, ये देखो इधर का कुछ और इलाका टाइप लग रहा है। और ये देखो भाई यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं। और गाइज अभी अगर आपको मस्त अगर लोकेशन चाहिए फ़ोटोज़ वोटोज़ खिंचाने के लिए और ये सारी चीज़ें अगर चाहिए आपको, तो आपको भाई वहाँ से डायरेक्टली अंदर आना पड़ेगा और अंदर आने के बाद ही आपको 3 बजे करना है ये सारा काम, उससे पहले नहीं करना है।
अगर आपने भाई इससे पहले आप आ गए और आप सोचो कि आप डायरेक्ट आके उसमें बैठ जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप मॉर्निंग में सोच रहे हो कि मॉर्निंग में 4-5 बजे आप कर लोगे सारी चीज़ें, तो भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था स्पेशली कि मैं सुबह 5-6 बजे आ जाऊंगा और सारा काम कर लूंगा, बट ऐसा हो नहीं सकता। तो ये है पूरा देखो आप मंदिर का। अब पीछे यार फोटो के लिए आ रहा नहीं आ रहा, आई डोंट नो, देखते हैं। वो देखो अंदर, ये है टेम्पल। तो गाइस अभी क्या है, जा नहीं सकते क्या अंदर? वो टेम्पल है जहाँ पर मैं दर्शन करके आया हूँ, मेन टेम्पल जो भाई पूरा गोल्ड का है वो, और काफी ज्यादा समय लग जाता है अंदर को। वो सिर्फ बैठने में, दर्शन में ज्यादा समय नहीं लगता, दर्शन तो मुश्किल से 10 मिनट में हो जाते हैं, बट वहाँ बैठे रहने पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर दर्शन अगर करने हैं आपको तो भाई VIP पास लेके करो, वो बढ़िया है। तो भाई हो गए फाइनली दर्शन और अब मैं जा रहा हूँ भाई अपने रूम की तरफ। और बात तो बराबर ही है भाई, अभी मेरे को वो लोग मिले जिन्होंने पैसे दे के मतलब दर्शन किए हैं। तो उसमें क्या है भाई, पैसे देने के बाद भी वो मेरे से बाद में उनके दर्शन हुए हैं, और जबकि मैं फ्री वाली क्यू में लगा हुआ था। तो लाइन देखो, फ्री वाली क्यू में अभी भी लाइन है बहुत तगड़ी वाली। तो आज भाई निकलने का इरादा नहीं है मेरा, आज यहाँ पे करूँगा रेस्ट, और कल मॉर्निंग की जो मेरी राइड स्टार्ट होगी वो होगी रामेश्वरम के लिए। रामेश्वरम की टोटल दूरी मैंने आपको बताई दी है स्टार्टिंग में, लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास है, तो इतना तो पॉसिबल होगा नहीं एक बार में। तो भाई पहले चेन्नई की तरफ जाऊँगा, उसके बाद जाऊँगा आई की तरफ। तो गाइस अभी भैया और मैं आए हैं कुछ खाने के लिए रात में डिनर के लिए। तो भैया कह रहे हैं इधर रुमाली रोटी बनती गई। क्या रुमाली रोटी? तो अभी चलते हैं भाई उधर, और भैया कह रहे हैं रामेश्वरम में भैया के साथ जाने के लिए। अगर आप अभी निकलोगे तो कब पहुंचोगे? हाँ आप अभी बस, आप बस जाने के लिए मना कर रहे हो? मैं ट्रेन से जाने के लिए देख रहा हूँ अभी अभी, ट्रेन सर्च करते हैं। ठीक है बैठ के, हाँ ट्रेन सर्च करते हैं। तो गाइज अगर भैया जाएंगे साथ में तो रामेश्वरम भी भैया के साथ घूम लूंगा आराम से, और फिर धनुषकोटी भी चल देंगे ना वहाँ से आगे ही थोड़ा सा। तो वहाँ से फिर धनुषकोटी चल देंगे, आए तो फिर पूरा यात्रा करके। तो अभी भाई कुछ खाने के बाद फिर करते हैं इस चीज पे डिस्कशन की क्या है भैया का सीन शॉट, क्योंकि ये भी चाहते हैं घूमना। तो अभी कुछ खा लेते हैं फिर देख। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ।